यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं देश की आवाज। नेता समाज के अगुवा होते हैं, समाज को दिशा दिखाते हैं, लेकिन नेताओं का गिरता भाषा का स्तर और सियासत रोज टूटती भाषा की मर्यादा ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि समाज के अगुवा समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हाल के दिनों में सियासत में भाषा की सीमाएं पार करने की कई घटनाएं सामने आई हैं और पहले भी आती रही हैं। हाल की घटनाओं का जिक्र करें तो हरियाणा कैबिनेट में मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना निपाह वायरस से की थी। पलवल से कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने सीएम मनोहर लाल को लेकर अपशब्द कहे थे। तो वहीं ताजा मामला प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और रैलों के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला का है। उन्होंने प्रदेश के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ की तुलना किन्नर से कर दी है। ऐसे में देश की आवाज में आज के जो सवाल है उन सवालों पर नजर डालते हैं। तो देश की आवाज में आज का सवाल यही कि आखिर राजनीति में क्यों भाषा की मर्यादा टूट रही है। इसके साथ ही सवाल ये भी कि सियासत में क्यों भाषा का स्तर गिरता जा रहा है लगातार, साथ ही नेता भाषा की मर्यादा क्यों भूल रहे हैं ये भी बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही क्यों अपनी सभ्यता भूलते जा रहे हैं नेता, ये बड़े सवाल हैं जिन पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। क्या ऐसे लोग समाज को सही दिशा देंगे, समाज के अगुवा बनते हैं लेकिन जब खुद भाषा की मर्यादा भूलते हैं तो क्या ऐसे लोग समाज को सही दिशा दिखा सकते हैं, बड़े सवाल हैं जिन पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फोन करें, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर ज्यादा से ज्यादा फोन कर आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। देश की आवाज का ये मंच आपके लिए खुला हुआ है और इसके साथ ही नंबर्स आपके लिए खोल दिए गए हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा फोन करके आप हमारे साथ जुड़िए और बताएं कि क्या जो राजनेता खुद को समाज का अगुवा कहते हैं, समाज को एक दिशा देने की बात कहते हैं, जब वो खुद भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं, खुद सभ्यता भूल रहे हैं, तो क्या ऐसे नेता समाज को सही दिशा दिखा सकते हैं? सियासत का स्तर आखिर किस निम्न स्तर पर पहुंच गया है? क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर, अपनी राय क्या देंगे, सुझाव क्या देंगे? कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फोन करें, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप ज्यादा से ज्यादा फोन करके हमारे साथ जुड़िए, सवाल अपने जो है पूछ सकते हैं, अपनी आवाज उठाएं। देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए जुड़ा हुआ है। सवाल ये कि राजनीति में मर्यादा क्यों टूटती जा रही है, सियासत में भाषा का स्तर इतना क्यों गिर रहा है, बड़ा सवाल। साथ ही भाषा की मर्यादा नेता क्यों भूल रहे हैं, क्या इन्हें अपनी भाषा पर लगाम नहीं है, शब्दों पर लगाम नहीं है, क्या क्यों अपनी सभ्यता राजनेता भूलते जा रहे हैं, बड़े सवाल हैं। साथ ही सवाल ये भी कि क्या ऐसे लोग जो खुद भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं, सभ्यता भूल रहे हैं, वो समाज को सही दिशा दे सकते हैं। और इसी पर हमारे साथ पहले दर्शक अर्जुन फोन लाइन पे जुड़ गए हैं मंडी से। स्वागत है आपका अर्जुन, बात रखिए अपनी। हेलो मैम, नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी, मैं जो अपनी मेरी राय ये है कि ये जो नेता लोग हैं इनको सबसे पहले जो है जो नैतिकता भूल गए ना ये, इनको अपनी नैतिकता सभ्यता संस्कृति का जो इनको दोबारा से क्लास देना पड़ेगी। और साथ ही मैडम ये लोग जो है इनको हमारा जो प्रतिनिधित्व करते हैं आगे जाके, ये सब कुछ भूल चुके हैं। जिनकी समाज को अच्छे दिशा देने की, दिशा दशा देने की जिम्मेवारी होती है, यही उठपटांग बकरे हैं, बताओ मैम जी। तो ये जो है राजनीति के स्तर के साथ साथ ये अपने जोश जोश में आके हर कुछ बोले तो आने वाली जनरेशन क्या सीखेगी इससे। तो हमारा यही सुझाव है मैडम जी कि ये नेता को जो है जितनी जो भी अपनी लैंग्वेज में है संयम बरतना चाहिए। बहुत शुक्रिया अर्जुन अपनी बात रखने के लिए। तो नेताओं को अपनी भाषा में, अपने शब्दों में संयम बरतना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी जो है शोभा नहीं देती है। आप समाज के अगुवा बनते हैं, समाज को आगे दिशा में ले जाने की बात करते हैं लेकिन खुद ही भाषा की मर्यादा भूलते हैं। अमन हमारे साथ पानीपत से अगले दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका। अमन बात रखिए अपनी। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी, जो ये नेता ऐसी बद्दी भाषा बोलते हैं जी, क्या ये अपने घर में भी ऐसे ही बोलते हैं? अगर ये ऐसा बर्ताव करेंगे तो जनता को क्या सिखाएंगे जी? ये जनता के चुने हुए नेता हैं, इनको जब बात करते हैं देखो आरोप तो लगाने के रास्ते और भी होते हैं,
किंतु जबान पर तो कंट्रोल इन्होंने रखना चाहिए जी। अगर देश का नेता ही ऐसे बोलेगा तो प्रजा क्या करेगी जी। इन्होंने अपनी जबान पर कंट्रोल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमन अपनी बात रखने के लिए। तो अगर देश के नेता ही इस तरह की बात कर रहे हैं तो जनता क्या कहेगी, बड़ा सवाल है। और साथ ही क्या आपको भी लगता है कि भाषा की मर्यादा जो है उसका कम से कम ध्यान सभी नेताओं को रखना चाहिए, क्योंकि कई बार मामले ऐसे सामने आए हैं। भारत चौहान हमारे साथ हिसार से, अगले दर्शक फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका भारत, बात रखिए अपनी। मैम नमस्कार जी। नमस्कार मैम, बात कुछ इस प्रकार की है कि पॉलिटिक्स का जो स्तर आज की तारीख में गिरा हुआ है, ये सब इसी वजह से गिरा हुआ है क्योंकि बंटवारे की राजनीति चल पड़ी है जी। जात पात में बंटवारा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बंटवारा कर रहे हैं। पुराने जमाने में हमारे नेता हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी की तरह जी, जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि विरोधाभास की भी एक लिमिट होती है, किसी की आलोचना करने की भी एक लिमिट होती है। आजकल वो लिमिट भूलते जा रहे हैं नेता जी, और ये भी भूलते जा रहे हैं कि यही नेता ही वो लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में कानून बनाने और देश को आगे प्रगति की राह दिखानी है जी। परंतु ऐसा करने की बजाय ये समाज को बरगलाने का जो आज काम राजनीति कर रही है, समाज इसका पुरजोर खंडन करता है और आने वाले समय में जी। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। दिनेश हमारे साथ मध्य प्रदेश से, अगले दर्शक फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका दिनेश, बात रखिए अपनी। थैंक यू मैडम जी। इनसे, इन लोगों से, नेताओं से तो किसी भी सभ्यता या भाषा की मर्यादा की जो है हम उम्मीद कर ही नहीं सकती, क्योंकि सभ्यता और भाषा की मर्यादा त्याग बलिदान तपस्या से आती है। त्यागियों बलिदानियों तपस्वियों में यह मिलता है। अनमोल वचन इनसे हमें नहीं मिल सकते, इनमें ढूंढना नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि आकर्षण बिकता है। आजकल हमें मीडिया में, अखबारों में ये कुछ अनर्गल बोलते हैं तो ये हाईलाइट होते हैं, और पब्लिक भी जो अनमोल वचन है, त्यागियों तपस्वियों बलिदानियों की बातें इतनी दुष्कर मार्गों के बाद मिलती है, कठिन मार्गों के बाद मिलती है कि उस पर जनता भी नहीं चलना चाहती। उनका नेता ही उनका रोल मॉडल हो जाता है, चाहे वो कैसा हो, और हा हा हू करके हंसते हुए उसकी जो है उसकी जय जयकार बोलते हैं। नेता तो अय्याशी और दौलत कमाने के लिए बनते हैं। आप देखिए कि शिक्षा मंत्री और बड़े बड़े टेक्नीशियन मिडिल और प्राइमरी फेल बन जाते हैं। संसद में इनसे और विधानसभाओं में क्या उम्मीद की जा सकती है? हम जान रहे हैं लेकिन हम अच्छे लोगों को आगे नहीं लाना चाहते। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। रजत हमारे साथ, अगले दर्शक फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। यस मैम। मैम, नेताओं की वजह से पूरे देश में झगड़े होते रहते हैं। पता नहीं अपनी आवाज पे कंट्रोल कैसे करेंगे, क्या होगा। ज्यादातर दंगे जो होते हैं इन लोगों की व्यवहार के बोल की वजह से होते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। यहाँ पर तो रजत ने भी कहा है कि ज्यादातर जो झगड़े होते हैं इनके ही व्यवहार के कारण होते हैं। और बड़ा सवाल यही है कि क्या सभ्यता भूलते जा रहे हैं, भाषा की मर्यादा भूलते जा रहे हैं नेता। इसी पर देश के आवाज कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं लगातार। इन नंबर्स पर ज्यादा से ज्यादा फोन करके जुड़िए हमारे साथ और अपनी आवाज उठाएं, बात रखिए। क्या कहना चाहते हैं आप कि जो खुद समाज के अगुवा बनते हैं वो कैसे जो है इस तरह से भाषा की मर्यादा भूलकर, सभ्यता भूलकर समाज को आगे ले जाने के लिए आप बढ़ सकते हैं। जगत हमारे साथ, अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका जगत, बात रखिए अपनी। हेलो जी जगत, बात रखिए अपनी। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। ये लोग उल्टी सीधी भाषा का उपयोग करके लोगों को बरगलाते हैं, बिजली पानी सड़क का मुद्दा उठाते नहीं। हाँ जी जी, ये किसी भी मर्यादा में नहीं रहते, सिर्फ इनको अपना नाम चमकाने के लिए उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए जगत। तो सिर्फ खुद को चमकाने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं, जनता के असल मुद्दों से सरोकार नहीं है नेताओं को, ये जगत का कहना है। आप क्या मानते हैं, क्या जनता के पैरोकार जो है, जनता के लिए जो काम असल में समाज में होने चाहिए, क्या समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में नेता इस तरह से काम कर सकते हैं जब खुद ही मर्यादा को भूलते जा रहे हैं, सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। बड़े सवाल हैं जिन पर आप जुड़कर अपनी राय जरूर दीजिए। और नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप ज्यादा से ज्यादा फोन कीजिए, जुड़िए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए है। आपको बता दें कि ताजा मामले की अगर हम बात करें तो हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ को लेकर अपशब्द कहे हैं, उनकी तुलना किन्नर से की है। इसके साथ ही इससे पहले
कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तुलना निपाह वायरस से कर दी थी। इसी तरह से लगातार जो बयान है वो सामने आते रहते हैं नेताओं की तरफ से, तो ऐसे में सवाल यही कि क्या भाषा की मर्यादा नेता भूल रहे हैं, क्या सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, और अगर भूल रहे हैं तो फिर कैसे समाज को अग्रसर करने की भूमिका ये निभा सकते हैं, समाज को कैसे सही दिशा में लेकर जा सकते हैं जब खुद ही मर्यादा भूलते जा रहे हैं राजनेता, बड़े सवाल हैं। आप जरूर फोन कीजिए ज्यादा से ज्यादा और साथ ही हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में, अपनी आवाज उठाएं, देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी इसी तरह से कई बार जो है मामले सामने आए हैं जब अब शब्द जो है कहे गए हैं। हाल ही में खबर सामने आई जहां पर विधायक की ओर से मंत्री को जो है अपशब्द कहा गया, और ऐसे ही लगातार ये मामले जो है सामने आते रहते हैं, बयानबाजियां लगातार राजनेताओं की ओर से की जाती रही है। एससी अफसाना हमारे साथ अगले दर्शक लखनऊ से फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार मैडम, पहला हमको ये है जब भी मुद्दे के बारे में अगर बात की जाएगी तो भाषा में शालीनता होगी जी, लेकिन कभी भी किसी मुद्दे पे बात ना करके तो भाषा की शालीनता खत्म हो जाती है और एक चीज आती है वो कोई भी नेता हो जी, इसलिए उस भाषा का जो मर्यादा है वो खत्म होती जा रही है। उदाहरण के लिए अभी भी देखा जाए तो जब भी कोई डिबेट होती है किसी भी चैनल पे डिबेट होती है जी, तो वो किसी भी मुद्दे पे कोई सही जवाब नहीं देता है। अगर कोई विपक्ष सत्ता पक्ष पे या सत्ता पक्ष विपक्ष पे कोई बात करता है, चलिए आप कह रहे हैं सही जवाब नहीं होता है मुद्दे का, इसीलिए इधर उधर की बातें जो है इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल जो है किया जाता है। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। विजय हमारे साथ जींद से अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका, विजय बात रखिए अपनी। हाँ जी जी विजय बात रखिए अपनी। ऐसा है जी, ये जो राजनीति में आजकल आरोप प्रत्यारोप जो ये लगा रहे हैं ना जी, ये मुद्दे से भटकाने के लिए लगा रहे हैं ताकि असली मुद्दा जनता समझ न पाए जी। इन्होंने विकास करना है नहीं, एक दूसरे की पीछे की बातें उठा के उसको दबा दिया, आगे की बातें उठा के उसको दबा दिया। किसी की कोई गलती निकालता है तो बोलते हैं आपके राज में क्या हुआ, अरे आपके राज में क्या हुआ, तुम उसकी बराबरी करने के लिए आए थे क्या यहाँ जी। ये जब इलेक्शन आता है तब अच्छी मीठी मीठी बात। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो ये कहना है कि मुद्दों पर बात नहीं होती है, मुद्दों ही जो है उनका जवाब नहीं है, असल मुद्दे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बात नहीं होती है बल्कि इधर उधर की बातें कही जाती हैं ताकि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, और इसीलिए इस तरह के बातें जो हैं, इस तरह के अपशब्द जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। क्या आपको भी ऐसा लगता है, आप जुड़िए हमारे साथ, देश की आवाज का ये कार्यक्रम आप ही के लिए है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप ज्यादा से ज्यादा फोन करके हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, बात रख सकते हैं कि क्या भाषा की मर्यादा जो है राजनीति में खत्म हो रही है, टूटती जा रही है, क्या भाषा जो है वो किसी भी हद तक जो है इन नेताओं की जो भाषा है वो गिर रही है, और अगर सभ्यता भी यहां पर खत्म होती जा रही है तो फिर इसके साथ ही सवाल ये भी कि कैसे जो है समाज को सही दिशा ये नेता दिखा सकते हैं जो उससे पैरोकार बनते हैं, सही दिशा दिखाने की बात कहते हैं, कैसे आखिर जो खुद मर्यादा भूल रहे हैं, सभ्यता भूल रहे हैं, वो समाज को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। जगजीत हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका जगजीत, बात रखिए अपनी। हेलो नमस्ते मैडम। जी नमस्ते मैडम, ये ट्रेडमार्क तो मोदी जी और अनिल विज साहब ने दिया हुआ है, इन मुद्दों की बात न करके ये आपसी मतलब मतभेद के लिए जनता को बुरझाने का काम कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया जगजीत अपनी बात रखने के लिए। तो मुद्दों पर बात ना करके जनता को बरगलाने के लिए जो है इस तरह की बयानबाजियां इन नेताओं की ओर से की जाती हैं, ये जगजीत कह रहे हैं। और आपको क्या लगता है, आप जरूर जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में, देश की आवाज का ये मंच आपके लिए है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप ज्यादा से ज्यादा फोन कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, अपनी आवाज उठाएं, अपनी बात रखें और हमें बताएं कि क्या भाषा की मर्यादा भूलते जा रहे हैं नेता, क्योंकि अगर हम नजर डालें तो इसी तरह की जो भाषा का इस्तेमाल है वो लगातार देखा जाता रहा है। अब हालांकि ये और बढ़ गया है जब राजनेता अपनी भाषा की मर्यादा को भूलते जा रहे हैं। अगर हाल ही की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला की ओर से कृषि मंत्री ओपी धनखड़ को लेकर अपशब्द कहे गए हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर निपाह वायरस से उनकी तुलना कर दी थी। बलदेव हमारे साथ अगले दर्शक सिरसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका बलदेव, बात रखिए अपनी। मैं ये कह रहा हूँ जी, ये जो
सियासत की गिरावट है, ये नेहरू खानदान और गांधी खानदान इनकी वजह से है। इन्होंने इस देश की संस्कृति और सभ्यता इसको इसका बिल्कुल चीर हरण कर दिया और आगे भी ये कर रहे हैं जी। क्योंकि जिसका कोई धर्म नहीं होता जी, इसी किस्म से वो आदमी उल्टे सुलटे ही बयान देता है। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। नवीन हमारे साथ जीन से फोन लाइन पर हैं। अगले दर्शक स्वागत है आपका। नवीन बात रखिए अपनी। वो खड़ा कर रखे है जो हरियाणा के अंदर आग लगा रहे है, तो ये है जी कि ये सारी की सारी 80% के बजाय 90% कांग्रेस और 10% इसमें बीजेपी भी भागीदार हो रही है जी। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। राकेश हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका राकेश, बात रखिए अपनी। मैम सिर्फ मुद्दे को भटकाने के लिए, डीरेल करने के लिए राजनेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो आम जनता है वो मुख्य मुद्दे से भटक जाए जी। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो मुद्दे जो है उनसे भटकाने के लिए, आम जनता को उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं, ये मानना है हमारे ज़्यादातर दर्शकों का। और आप सभी दर्शक जो रह गए हैं जल्दी से जल्दी फ़ोन आप कर सकते हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करके आप हमारे साथ जुड़िए कि आपको भी लगता है कि असल में मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि मुद्दों पर कुछ कहने के लिए बचा नहीं है इसीलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। रोशन हमारे साथ अगले दर्शक हैं अम्बाला से फोन लाइन पर। स्वागत है आपका रोशन, बात रखिए अपनी। हाँ जी जी रोशन, बात रखिए अपनी। हेलो जी, आवाज़ मिल रही है आपको? इनको इनको अगर किसी विषय की जानकारी हो, कोई तरीका हो इनका, तो ये तो इनको बेकार में मिल जाता है इनको वो करने के लिए। इनका कोई तरीका थोड़ी है, इनका कोई, इन्हें कोई समझ नहीं है किसी चीज की, तो बस पद मिल गया इनको और बस सारी मलाई मिल गई खा के बैठ करके, ये उल्टी सीधी बातें बोल करके अपना काम करते हैं बस। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो मलाई मिल गई है और वो खाकर उल्टी सीधी बातें जो है इसीलिए करते हैं क्योंकि असल में बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। कृष्ण कुमार हमारे साथ गाजियाबाद से अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका कृष्ण कुमार, बात रखिए अपनी। मैम इन नेताओं की वजह से रोज आए दिन झगड़े फसाद होते रहते हैं, कोई ऐसा कानून बनना चाहिए लॉ में जो कोई अपशब्दों का यूज करे तो कम से कम उसे भी कोई सजा मिले। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार अपनी बात रखने के लिए। तो सही जो है सुझाव दिया है कि कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से अपनी भाषा की मर्यादा को भूलते जा रहे हैं, सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, एक दूसरे को लेकर यहाँ पर राजनीति का स्तर आज इतना नीचे गिर चुका है कि एक दूसरे को लेकर राजनेता अब शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते हैं, न झिझकते हैं। और फिर जहाँ पर एक और भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं, सभ्यता जो है वो लगातार गिरती जा रही है, भूलती जा रही है सभ्यता को, ऐसे में फिर समाज के पैरोकार बनते हैं, समाज के अगुवा बनते हैं, समाज को सही दिशा दिखाने की बात कहते हैं, तो आखिर ये कैसे संभव होगा? जब खुद सभ्यता और भाषा की मर्यादा का ख्याल ये राजनेता नहीं रखते हैं तो समाज को कैसे सही दिशा दिखा सकते हैं? बड़ा सवाल यही है देश की आवाज़ में। आज नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करके और अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अपनी कोई बात आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ दे सकते हैं। देश की आवाज़ का ये मंच आपके लिए है। तो देश की आवाज में आज सवाल यही कि क्या राजनीति में भाषा की मर्यादा टूटती जा रही है, खत्म होती जा रही है? सियासत का स्तर, भाषा का स्तर जो है वो कितना गिर गया है आज? और इसके साथ ही नेता जो है भाषा की मर्यादा भूलते जा रहे हैं, नेता सभ्यता भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या समाज को सही दिशा ये नेता दिखा सकते हैं जो इस तरह से ना सभ्यता जो है उनकी कहीं अब नजर आती है, ना भाषा की मर्यादा नजर आती है, तो समाज को किस हिसाब से, किस तरीके से सही दिशा में ले जा पाएंगे ये नेता, क्या ऐसा कर पाएंगे? बड़ा सवाल। ज्यादा से ज्यादा फोन कीजिए, जुड़िए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। देश की आवाज का यह मंच आपके लिए खुला हुआ है, ज्यादा से ज्यादा फोन करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगर हाल ही की बात कर लें तो नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला की ओर से कृषि मंत्री ओपी धनखड़ को लेकर अपशब्द कहे गए हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री अनिल विज की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को की तुलना निपाह वायरस से की गई थी। इस तरह की बयानबाजियां हैं जो लगातार सामने आती रही हैं और आ रही हैं। अभी इन बयानबाजियों का दौर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि भाषा का स्तर सियासत में आखिर क्यों इतना गिरता जा रहा है? इसके साथ ही
नेता क्यों भाषा की मर्यादा भूलते जा रहे हैं, जो पैरोकार बनते हैं, समाज के अगवा बनते हैं, समाज को सही दिशा दिखाने की बात कहते हैं, वो खुद कैसे अपने रास्ते से जो है भटकते जा रहे हैं। क्या जिस तरह से हमारे साथ ज्यादातर दर्शक फोन लाइन पर जुड़े, उन्होंने कहा कि असल मुद्दों पर कहने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है, मुद्दों पर बात करने जो है अब इनके वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। भरत हमारे साथ चंडीगढ़ से अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका भरत, बात रखिए अपनी। जी मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम जी, जैसे ये बड़े सीनियर नेता है, अबे जी हैं, इनको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, ये इनके लिए अपमानजनक बातें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सीनियर होते हुए इनको थोड़ा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, और यही जो बातें हैं पूरे हरियाणा में सबको सुनाई देती हैं, तो इनको मैं समझता हूँ कि अपनी जो वाणी का अच्छा प्रयोग करना चाहिए, अपनी वाणी का अच्छा प्रयोग करना चाहिए। बहुत शुक्रिया भरत अपनी बात कहने के लिए। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला की ओर से कृषि मंत्री ओपी धनखड़ को लेकर अपशब्द कहे गए। इससे पहले करण दलाल जो की कांग्रेस के नेता है, उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर अपशब्द कहे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज की ओर से राहुल गांधी की तुलना निपाह वायरस से की गई। इस तरह की बयानबाजियां जो है लगातार सामने आ रही है। राकेश हमारे साथ राजस्थान से अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका राकेश, बात रखिए अपनी। राकेश जी, हाँ जी, ये नेता लोग बहुत ही अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग करते हैं जी, इनका बाइकाट करना चाहिए, और सिर्फ मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। बहुत शुक्रिया राकेश अपनी बात रखने के लिए। तो राकेश मानते हैं कि जो असल मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी राजनेता करते हैं। लेकिन आज सवाल यही कि सियासत का स्तर आखिर इतना नीचे कैसे गिरता जा रहा है। मुकेश हमारे साथ हरियाणा से अगले दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका मुकेश, बात रखिए अपनी। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैडम जी, जनता इनको बना के भेजती है, कोई भी नेता हो इनको अब शब्द नहीं बोलने चाहिए, ऐसे नेताओं की राजनीतिक कैरियर खत्म कर देना चाहिए, ऐसा कानून हो इस देश का। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश अपनी बात रखने के लिए। तो आज सवाल यही कि सियासत का स्तर क्यों इतना गिरता जा रहा है। राजकुमार हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका राजकुमार, बात रखिए अपनी। मैडम ऐसा है जी, इनका जो सामाजिक जितने राजनेताओं का ये मेन अच्छे नहीं है, इनका चाल चेहरा और चरित्र जो है वो इनके पेरेंट्स ने सिखाया नहीं जी, कि किस तरह मर्यादित भाषा में आप दूसरे का सम्मान कर सकते हो। ये इसका दुखद पहलू यही है कि हमारे खास करके नॉर्थ इंडिया में इसीलिए वायलेंस ज्यादा है, वायलेंस ज्यादा है, पब्लिक की वायलेंस ज्यादा है, और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें डिसिप्लिन भी इसीलिए कम है कि हमारे जो हेड्स हैं, वो चाहे वो गांव के हेड्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेट्स के हेड्स हों या कमिश्नर के, उनके यहाँ ग्रूमिंग और ड्रिलिंग की कमी है, और इसीलिए इस तरह की वारदात डेली होती थी। इस चीज है की जो अब भाषा ये प्रयोग करते हैं, इनकी कहीं ना कहीं समाज में स्वीकार्यता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए राजकुमार। तो राजकुमार कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो सभ्यता है वो तो भूल ही रहे हैं, और समाज में स्वीकार्यता है इसलिए इस तरह की बातें जो है कह जाते हैं, लेकिन जरूरी है कि मर्यादित भाषा में अपनी बात रखें। देश की आवाज में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।